21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला पुलिस लाइन चूरू में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम रखा गया है और इसकी पूर्व तैयारियों हेतु आज एक बैठक यहां पर मैदान में ही रखी गई है और ये पूरा मैदान जो है 21 जून को भरने की पूरी ताकत जो है वो प्रशासन के द्वारा लगाई जा रही है। तो मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में आप आएँ और जिला स्तरीय योग का बहुत बड़ा कार्यक्रम चूरू जिला स्तर पर होने जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर इस पूरी व्यवस्था को देखने हेतु आयुर्वेद डिपार्टमेंट, नगर परिषद चूरू, SDM मैडम, एडिशनल SP साहब सभी हैं, इनसे हम बात करते हैं। जैसा आप जानते हैं 21 तारीख को योगा डे है और उसको बहुत अच्छे से सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो इसके लिए प्लान कर रहे हैं SDM साहब हैं, बाकी सारी जो एजेंसीज हैं उनके साथ पुलिस लाइन को देख रहे हैं कि कैसे अब प्लान करना है, यहाँ पार्किंग भी देखना है और आने जाने के एक्सेस पॉइंट क्या होगा और कोशिश यही कर रहे हैं कि इसको एक मेगा सक्सेस बनाए। हमारे पुलिस की तरफ से चारों हेडक्वार्टर के पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक, RAC और जो हमारे ऑफिस हैं कोशिश करेंगे हमारे यहाँ से भी 1000 पार्टिसिपेंट्स हों। बाकी आपको SDM साहब भी अभी बताएंगे कि तैयारियों का क्या क्या स्तर है। जैसे दूसरा एक एक्स्ट्रा और हम करने जा रहे हैं कि अगर योगा के बाद में प्लांटेशन हो पर्यावरण के लिए तो ये एक अच्छा विकल्प है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा लगभग 2,000 से 3,000 पौधे लगाने का भी एक योजना आज बना जी, पुलिस लाइन में लगाए जाएंगे पौधे। हाँ, पुलिस लाइन के कैंपस में जी। मैडम, प्रशासन के द्वारा किस प्रकार तैयारियां की जा रही है और यहां पर स्ट्रेंथ आने के लिए कर्मचारियों के लिए क्या निर्देश आदेश जारी किए गए? हर साल की तरह इस बार भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये जो मनाया जाएगा उसके लिए आज ये जो लोकेशन डिसाइड किया गया है पुलिस लाइन ग्राउंड, इसकी विजिट पर आए हैं सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ मौजूद हैं और सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि किस तरह से इसका जो अलाइनमेंट लेकर के और किस तरह की तैयारियाँ की जाएंगी। जो स्ट्रेंथ के बारे में आपने सवाल पूछा तो यही कोशिश रहेगी कि लगभग 2,000 से 3,000 लोग इस दिन रहें और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये जो चूरू में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा इसकी एक ग्रैंड सक्सेस हो और इसके लिए जितने भी सभी डिपार्टमेंट्स हैं उनको यहाँ पर आने के लिए एक तरह से उनको निर्देशित किया गया है, सभी को लेटर्स इश्यूज कर दिए गए हैं कि सभी जो हैं कर्मचारी यहाँ आएँ और इसके अलावा जो प्रचार प्रसार भी किया जाएगा ताकि जो आमजन हैं वो भी सुबह सुबह इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन यहाँ पर मौजूद हो और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अपने स्वास्थ्य से लाभान्वित हो और योग का फायदा उठे। जी सर, आयुर्वेद डिपार्टमेंट इसमें नोडल के रूप में कार्य कर रहा है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और कैसे व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी? हमने आज 18/6/19 को जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग करवा करके सभी विभागों को निर्देश दिला दिए गए हैं, हमारे भी सभी ब्लॉक के अधिकारियों को बुला करके उनको प्रोटोकॉल दे दिया गया है और आज एक सुबह के टाइम के अंदर 90 शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है, कल परसों में बाकी बच्चे उनको सबको दे दिया जाएगा। हमारी यहाँ पुलिस लाइन ग्राउंड में 5,000 योगार्थियों को बुलाने का लक्ष्य रखा है, जो हर संभव प्रयास करेंगे हम ये सब। जी, नगर परिषद चूरू के द्वारा यहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी और योग दिवस पर क्या सहायता रहेगी? जैसे कि आज मीटिंग में हमें साफ सफाई, पानी की और टेंट की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी है तो हमें संबंधित सभी सफाई कर्मचारी को खाली आमंत्रित कर दिया है और सभी कर्मचारियों को आदेशित भी कर दिया है कि भाई जो योग दिवस है उसमें अटेंडेंस अनिवार्य रूप से देंगे और मेन टेंट की व्यवस्था है वो हमारा आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के थ्रू हम कर रहे हैं संबंधित हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर हमने दिखाई दिया है, ये मैदान है और इस मैदान में जो है योग दिवस का कार्यक्रम रखा जाएगा, तो आप सभी लोग जो हैं इस दिन जरूर आएँ। 21 जून हमारे देश के लिए बहुत गर्व का दिन है और इस दिन अगर हम यहाँ पर योग में आते हैं, संकल्प लेते हैं, तो विश्व गुरु की उपाधि जो हमें मिली है उसको हम फलीभूत करेंगे, उसको हम दिखाएंगे कि हम वाकई में विश्व गुरु हैं। तो योग दिवस वाले दिन जरूर एक बार बिस्तर का मोह छोड़ कर यहाँ इस कार्यक्रम में जरूर आइएगा। और ये जो कार्यक्रम है इसका समय सुबह 6:30 बजे यहाँ मैदान पर पहुँचने का समय है, तो आप सभी नहा धोकर और इस कार्यक्रम में ज़रूर आइएगा और जिला स्तरीय इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना साथ दीजिएगा। मैं त्रिनेत्र TV के लिए डॉक्टर मनोज योगाचार्य आपसे अपील करता हूँ, नमस्कार।